नमस्ते, स्वागत है आपका कार्देखो में, where we help you pick the right car right now. और right now हमारे साथ है एक ऐसी SUV जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था. वेलकम टू द फुल रिव्यू ऑफ द टाटा हैरियर. एक बात तो पक्की है, अगर आपकी नज़र इस गाड़ी पर पड़ गई तो वो जल्दी हटने वाली नहीं है. हैरियर की स्टाइलिंग टाटा की दूसरी कारों से ज़रा हटके है. कॉन्सेप्ट H5X पर बेस्ड हैरियर शायद उतनी वाव ना लगे जितनी कॉन्सेप्ट लगी थी, लेकिन इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स ज़रूर है. यूजुअली जहाँ हेडलैम्प्स होते हैं वहाँ हैरियर में आपको देखने मिलेंगे डे टाइम रनिंग लैम्प्स, और यही लैम्प्स टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं. जो एक्चुअल हेडलैम्प्स है वो है नीचे बम्पर पर, इसमें भी आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, और जो लो बीम है दैट इज HID, हाई बीम रेगुलर हैलोजन बल्ब है. उसके नीचे आपको दिखेंगे फॉग लैम्प्स जिसमें कॉर्नरिंग फंक्शन भी अवेलेबल है. साइड प्रोफाइल देखें तो हैरियर के साइज के हिसाब से ये 17 इंच के अलॉय व्हील थोड़े छोटे दिखाई देते हैं, और इनका डिजाइन भी काफी सिंपल है. अगर टाटा 18 या 19 इंच के अलॉय व्हील्स देता या इसी डिजाइन को एक मशीन्ड फिनिश में प्रेजेंट करता तो बेटर होता. खैर, इस प्रोफाइल से देखें तो गाड़ी की साइज का अंदाजा बखूबी लग जाता है. XUV, टूसॉन और CRV जैसी SUVs को भी हैरियर कड़ी टक्कर देता है. रियर की ओर चले तो आपको यहां दिखेंगे कनेक्टेड टेल लैंप्स. ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉन्सेप्ट H5X से ऑलमोस्ट एज इट इज लाया गया है, और आपको ब्रेक लैंप्स में LEDs भी मिलेंगे. और हाँ, हैरियर को एक प्रॉपर SUV लुक देने के लिए आपको फ्रंट और रियर बम्पर पर दिए गए हैं 4 स्किड प्लेट्स. ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है एट 205 mm. हैरियर के अंदर बैठते ही आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या ये वाकई एक टाटा मोटर्स की कार है, क्योंकि डिजाइन देखिए, इट्स नीट सिंपल मिनिमलिस्टिक. मटेरियल्स का जो यूज किया गया है दैट इज वेरी क्लेवर. डैशबोर्ड के ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पर आपको ओक वुड फिनिश मिलेगा, मेटालिक इंसर्ट ऑन द बॉटम, लेदर अपोल्स्ट्री, लेदर गियर लीवर के अराउंड, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, ऑल वेरी गुड. और अगर आप बात करें फिट एंड फिनिश की या बात करें फीचर्स की, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि टाटा मोटर्स हैज टेकन दैट नेक्स्ट स्टेप, दे कैन मेक प्रीमियम कार्स. वो प्रीमियम एक्सपीरियंस डिलीवर करता है ये 8.8 इंच का टच स्क्रीन जो आपको फुल्ली लोडेड XZ वेरिएंट में देखने मिलेगा. एंड्रॉयड ऑटो इज अवेलेबल, और टाटा मोटर्स कहते हैं कि एप्पल कापले बहुत ही जल्द अवेलेबल होगा. दिस इज कनेक्टेड टू अ 9 स्पीकर, यस 9 स्पीकर JBL का साउंड सिस्टम है, जिसमें एक सबवूफर और एक एक्सटर्नल एम्पलीफायर भी शामिल है. और चलिए मैं ये डायरेक्टली कह देता हूँ, इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा. चाहे आप बात करें ऑडियो क्वालिटी की, क्लैरिटी की, इट इज ऑलमोस्ट अनबीटेबल. आपको और एक 7 इंच का स्क्रीन देखने मिलेगा, और वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर. ये एक कलर डिस्प्ले है जिसके ग्राफिक्स बहुत ही बेहतरीन है. आपको इस पे डोर स्टेटस, क्रूज कंट्रोल की इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस टू MT इसी स्क्रीन पर देखने मिलेगा. इतना ही नहीं, जब आपका फोन एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्टेड हो तो नेक्स्ट डायरेक्शन भी आपको इसी स्क्रीन पर दिखाई देगा. लेकिन हैरियर एक प्रीमियम SUV है, तो इसमें प्रीमियम फीचर्स तो होने ही चाहिए. और फीचर्स टाटा मोटर्स ने भर भर के दिए हैं. हैरियर के टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलेगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स. लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर ऐसे थोड़े छोटे मोटे फीचर्स हैं जो हमें लगता है कि मिसिंग है. फॉर एग्जाम्पल, ऑटो डिमिंग मिरर आपको नहीं मिलता. जो सीट एडजस्ट है दैट अगेन इज मैनुअल. इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट दे सकते थे, और अगर कुछ स्पेशल फीचर्स देना चाहते हैं तो शायद वेंटिलेटेड सीट्स भी दिया जा सकता था. और हाँ, सनरूफ भी अवेलेबल नहीं है. एक काम कीजिए, ट्विटर पर जाइए, टाटा मोटर्स को टैग कीजिए और पूछिए ऐसा क्यों. द
जैसे कि मैंने आपसे कहा था, सीट्स आर मैन्युअली एडजस्टेबल, तो आप इसे हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग में भी टिल्ट और टेलीस्कोपिक फंक्शन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे इस गाड़ी में एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में ज़रा सा वक्त लगा, क्योंकि डैशबोर्ड का ये हिस्सा मेरे घुटने से टकरा रहा था, तो मेरी यूजुअल सीटिंग पोजीशन से मुझे सीट एक या दो नॉच पीछे लेनी पड़ी। बट ओवरऑल द सीट्स आर कंफर्टेबल, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, दे जस्ट राइट। रियर सीट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर सफिशिएंट जगह है। जो फ्रंट ड्राइवर सीट है वो मेरे हाइट के हिसाब से सेट है, मैं लगभग 6 फीट लंबा हूँ, तो नी रूम की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हेडरूम इज़ मोर देन इनफ, और कैबिन इतनी चौड़ी है कि 3 लोग आराम से बैठकर इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। और एक छोटी बात, जो फ्लोर हम्प है वो ज़्यादा ऊँची नहीं है, तो मिडिल ऑक्यूपेंट को पैर रखने की जगह भी है। और यहाँ पर आपको कम्फर्टेबल महसूस कराने के लिए एक आर्मरेस्ट दिया गया है। यहाँ पर नीचे एक USB सॉकेट है, जिसे पहुँचने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फ़ोन आप यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पर इस शेल्फ में रख सकते हैं। और हाँ, वॉक अराउंड रिव्यू में मैंने कहा था कि मुझे वहाँ रियर AC वेंट्स नहीं दिख रहे थे, सॉरी, दे आर ऑन द बी पिलर। फाइनली बात करते हैं हैरियर के थर्ड रो के बारे में। नहीं, हैरियर जो है इट इज अ 5-सीटर, इसका 7-सीटर वर्जन आपको देखने मिलेगा 2020 में, बट द बूट स्पेस इट्स क्वाइट जनरस, 425 liters, सेकेंड रो में 60-40 स्प्लिट मिलता है, और अगर आप सेकेंड रो टंबल फॉरवर्ड कर दें तो आपको मिलेगा 810 liters का बूट स्पेस। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो हैरियर के टॉप मॉडल में 6 एयरबैग, ABS with EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद हैं। टॉप वेरिएंट के अलावा बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको ड्यूअल एयरबैग्स मिलेंगे। स्पेक्स और ड्राइव की बात करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। हैरियर के अंदर बैठते ही आपको इस गाड़ी की साइज़ का अंदाज़ा नहीं आएगा, आपको गाड़ी के साथ कुछ टाइम, कुछ वक्त बिताना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके डायमेंशंस के साथ कंफर्टेबल होने लगेंगे। और ऐसे 2 blind spots हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। पहला है ये ए पिलर, इट्स वेरी वाइड, बहुत चौड़ी है, तो वहाँ से थोड़ी व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करती है। दूसरा है डी पिलर, तो जब आप यू टर्न ले रहे हो या आपको पीछे देखना है तो वो कॉर्नर ग्लास बहुत ही छोटा है, तो इस बात का ध्यान रखें। टाटा हैरियर अभी के लिए सिर्फ एक इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें लगा है 2 लीटर का डीजल इंजन, जो जीप कंपस में भी लगा है, लेकिन इसकी ट्यूनिंग बदल दी गई है। जहां कंपस में आपको 173 PS का पावर मिलता है, वहीं हैरियर में आपको मिलेगा 140 PS का पावर। मैक्सिमम टॉर्क है 350 न्यूटन मीटर का। चलिए सबसे पहले मैं आपको इस सेटअप के नेगेटिव्स बता देता हूँ। इंजन के जो नॉइज़ और वाइब्रेशन लेवल्स है वो थोड़े बेटर कंट्रोल्ड हो सकते थे। अब चाहे आप गाड़ी आइडल करें, शहर में आराम से चलाएं, हाईवे पर चलाएं, आपको हमेशा कैबिन के अंदर इंजन की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन JBL का 9 स्पीकर का साउंड सिस्टम है, चला दीजिए। जोक सपाट, अगर आप आवाज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं तो हैरियर का इंजन और ड्राइव आपको इम्प्रेस करेगा। क्लच ज़्यादा हैवी नहीं है, गियर एक्शंस काफ़ी लाइट है, तो इसे आप शहर में भी आराम से चला सकते हैं। हाईवे पर आपको कभी भी पावर की कमी महसूस नहीं होगी, इनफैक्ट आपको ऐसा फील होता है कि हैरियर 100 या 120 के स्पीड पर आराम से क्रूज करने के लिए बनी है। अगर आप माइलेज के शौकीन हैं तो आपके लिए इको मोड है और हाईवे के लिए स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन भी है। ये ड्राइव मोड्स थ्रॉटल रिस्पांस और इंजन मैप्स को अल्टर करता है। इसके अलावा हैरियर में 2 टेरेन रिस्पांस मोड्स भी शामिल है, जो है वेट और रफ रोड। फाइनली बात करते हैं राइड और हैंडलिंग के बारे में। लो स्पीड्स पर खड्डे, बदहाल सड़कें आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। हाईवे स्पीड्स पर भी हैरियर बिल्कुल स्टेबल रहती है। हाँ, एक छोटी सी कंप्लेंट है, अगर आप रियर सीट में बैठे हैं तो आपको राइड क्वालिटी थोड़ी सी बाउंसी लगेगी, बट अदर देन दैट आई हैव नो कंप्लेंट्स। स्टीयरिंग की बात करें तो हाँ, थोड़ी सी हैवी ज़रूर है, लेकिन हेक्सा जितनी नहीं।
इसका मतलब ये है कि आप शहर में चला सकते हैं विदाउट अ प्रॉब्लम और हाईवे पर स्टीयरिंग रॉक स्टेडी रहता है। चलिए फाइनली आते हैं कंक्लूजन पर। ऑनेस्टली हैरियर में ऐसी हमें कोई बात नहीं दिखी जिसे हम डील ब्रेकर्स कह सकते हैं कि ऐसी कोई सॉलिड रीज़न इस गाड़ी को ना खरीदने के नहीं है। गाड़ी दिखने में बढ़िया है, स्पेस सफिशिएंट है और क्वालिटी भी काबिले तारीफ है। हाँ, छोटे मोटे नेगेटिव ज़रूर है। फॉर एग्जांपल, इंजन की नॉइज़ और वाइब्रेशंस बेटर कंट्रोल्ड हो सकते थे, रियर सीट की राइड और कम्फर्टेबल होनी चाहिए थी। ऑल्सो एट द मोमेंट आपको ऑटोमेटिक या ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा। टाटा हैरियर को कंसिडर करने के लिए आपके पास सॉलिड दमदार रीजंस है, लेकिन इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस होगी 16 से 21 लाख रुपए के बीच में। क्या आप इस गाड़ी के लिए उतने पैसे खर्च करने राजी होंगे? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। लेकिन हम एक बात दावे के साथ कह सकते हैं कि टाटा कैन मेक अ प्रीमियम कार।